बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इसी यकीन के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे जो दरख्त नज़र आ रहा है आपको, ये दरख्त है बेरी का। ये काफ़ी पुराना दरख्त है। अबू लोग बताते हैं कि ये आलमोस्ट 1947 का दरख्त है। यहाँ ये पीछे दरख्त नज़र आ रहा है आपको मेरे, ये बेरी का दरख्त है और इसकी एज आलमोस्ट 70-80 साल हो चुकी है। तो ये मेरे जो थे दादा अबू, उन्होंने अपने हाथ से लगाया था। तो ये अभी तक हरा भरा है, इसके ऊपर बेर लगते हैं और हम बेर खाते हैं इसके ऊपर जो लगते हैं। तो इस टाइम टाइम है असर का, तो हमारी मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चल के नमाज़ पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना काम मुकम्मल हो चुका है इनका कंस्ट्रक्शन का। तो अभी हम मस्जिद जाते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कि कितना काम कंस्ट्रक्शन का हो चुका है। और इस टाइम मेरे जो सा पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, आपको ये ना उससे खेल रहा है। इसने ये डांगी बनाई है। डांगी करी बनाई तो इतना खेल नहीं। हाँ, ये बच्चे ने इस डांगी बनाई है और ये कह रहा है मैंने इससे खेलना है। तो अब मस्जिद जाता हूँ मैं। सो जी, अब मैं इस टाइम मस्जिद की छत पे खड़ा हूँ। तो ये मस्जिद के मीनार हैं, ये तो कम्प्लीट हो चुके हैं। इसको बड़ा खूबसूरती से पत्थर लगाया है और इसके साथ ये सामने वाला मेहराब है, मीनार है, ये भी कम्प्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये थोड़ा दरमियान वाला रह गया, इस पर थोड़ा काम करने वाला रह गया, बाकी सारा कम्प्लीट हो चुका है। और सबसे लास्ट वाला भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। तो बाकी मस्जिद के अंदर से काम हमने पहले ही करवा लिया था, तो अब ये ऊपर से इसके मेहराब वगैरह सही करवा रहे हैं। तो अभी इस पे ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन और लग जाएंगे। बाकी इसका अभी सेन बनना है, पत्थर लगना है सेन पे। तो बाकी सामने वाला भी फ्रंट भी रहता है इसका, दरवाज़ा भी चेंज करना है। सो इस टाइम मस्जिद के अंदर एंटर हो रहा हूँ। तो आपको अंदर एंटर होकर मस्जिद दिखाते हैं हमारी, हमने नई बनवाई है माशाल्लाह से, पुरानी शहीद घर के ना, तो हमने ये नई बनवाई थी। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये सामने हमें अल्लाह के नाम लगवाए हैं और इधर हजरत सल्लम के नाम लगवाए हैं। सामने ये रज़ा रसूल की पिक्चर लगवाई हुई है और इधर सामने खाना काबा की तस्वीर लगवाई हुई है। और सामने ये बड़ा खूबसूरत दुरूद पाक अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। बाकी खुलफा के नाम लिखे हुए हैं और चारों कुल लिखे हुए हैं। अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, दुरूद पाक लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है। तो ये जगह जमात के लिए, जहाँ इमाम खड़ा होकर जमात करवाता है। ये मेरा स्पीकर पड़ा हुआ है। तो ये मेरी मस्जिद का सारा व्यू है, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत बन गई है। पहले पुरानी थी, जो पहले बनी हुई थी आज से ऑलमोस्ट 50-60 साल पहले बनी हुई थी, तो वही थी। तो माशाल्लाह अब दोबारा नई बनाई है पुरानी शहीद करके, तो बड़ी खूबसूरत बन गई है। ये हमने पत्थर और टाइल्स वगैरह लगवाई हैं। अभी सामने से काम होने वाला रहता है, सेन में अभी मस्जिद के पत्थर लगना है और बाकी दरवाज़ा भी हमने नया लगाना है। और सामने जो मीनार है उन्हें भी ठीक करवाना है। तो अभी भी ये देखें आपको, ये बांस वगैरह नज़र आ रहे होंगे, सीटियाँ वगैरह। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने में काफ़ी देर लग जाएगी, अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो ये हमारी मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो नमाज़ मैंने पढ़ ली है, अब मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली है। तो अब मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो उम्मीद है आप खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।